तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि सिर्फ हम हीमोग्लोबिन से कैसे पूरा सीबीसी काउंट कर सकते हैं, ऑल फॉर्मूला बताने वाला हूं वीडियो में। तो चैनल को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि मान लो हमारे पास एचबी अगर 12.1 ग्राम पर डेसीलीटर है, सिर्फ हमारे पास एचबी है, और इस एचबी की सहायता से मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि पूरा सीबीसी हम कैसे काउंट कर सकते हैं ऑल करेक्ट फार्मूला के द्वारा। ठीक है, तो चलिए आपको पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एचबी मिल चुका है, हमें आरबीसी, एसीटी, एमसीबी, एससीएच और एमसीएचसी, ये सारे पैरामीटर हम कैलकुलेशन के द्वारा इस एक रीडिंग से हम पता करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर एक है हमारा कि पहले हम निकालेंगे आरबीसी। तो आरबीसी के लिए हमको एचबी डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आपको आरबीसी मिल जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि आरबीसी हमारे पास पहले से ही मिला हुआ है, यानी कि 12.1 हमारे पास पहले से ही आरबीसी है। तो फार्मूला का यूज करते हुए हम आपको बताएंगे कि 12.1 एचबी है और फार्मूला के हिसाब से डिवाइडेड बाई 3 तो करोगे तो आपको जो भी मिलेगा वो आपको आरबीसी का वैल्यू आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, यानी कि आरबीसी आपको मिल जाएगा 4.0। यानी कि पहला हमने प्राप्त कर लिया है आरबीसी, अब हमारे पास एचबी हो गया है और आरबीसी हो गया है। उसके बाद हम करेंगे एचसीटी कैसे पता करेंगे। तो एचसीटी का आपको करना पड़ेगा एचबी मल्टीप्लाई 3, यानी कि जितना भी हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसका मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा एचबी। तो मान लो हमारे पास एचबी है 12.1, मल्टीप्लाई हम 3 करेंगे, तो जब मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा वो हमको मिल जाएगा एचसीटी। तो वीडियो को आप लाइक करना, वीडियो को स्किप मत करना, और मज़ेदार है वीडियो आज का। तो 36.3 हमको एचसीटी मिल गया। ठीक है, अब इस एचसीटी की मदद से हमको पता करना है क्या, एमसीबी। तो एमसीबी का फार्मूला है एचसीटी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी। ये फार्मूला होता है एमसीबी पता करने के लिए। तो हमारे पास एसीटी भी है, हमारे पास आरबीसी भी है, तो हम एमसीबी उसको फार्मूले के द्वारा आपको चलिए कैसे हम निकालते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो एचसीटी है वो 36.3 था मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी हमारे पास है 4.0। ठीक है, तो फार्मूले के द्वारा जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जो वैल्यू आपको मिल के आएगा वो आपको मिल जाएगा एमसीबी, यानी कि मीन कॉर्पस्कुलम वैल्यू, ये आपको रीडिंग प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, पसंद है तो जरूर शेयर करना इसको। तो अब हम कैलकुलेशन किए हैं, तो कैलकुलेशन के साथ हमको जो वैल्यू मिल के आया है 90.7, ये हो गया हमारा एमसीबी का वैल्यू। ठीक है, यानी कि अब हमने एमसीबी प्राप्त कर लिया, अब हमको पता करना है एमसीएच और एमसीएचसी। ठीक है, तो चलिए हम पता करते हैं एमसीबी एमसीएच कैसे पता करते हैं। तो इसका जो फार्मूला है एचबी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी, यानी कि एमसीएच पता करने के लिए एचबी मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई आरबीसी करोगे तो आपको मिल जाएगा एमसीएच। तो चलिए फार्मूला इस पर भी हम लागू करते हैं और इसको भी प्राप्त करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एचबी पहले से है 12.1 मल्टीप्लाई 10 और जो आरबीसी है हमारे पास 4.0 पहले से मिल चुका है कैलकुलेशन से। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू मिल के आएगा वो जाएगा एमसीएच। तो एमसीएच हमको यहाँ पे मिल रहा है 30.2, यानी कि 30.2 हमको एमसीएच मिल रहा है। अब लास्ट जो वैल्यू है वो है एमसीएचसी, हमको पता करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एचबी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई एचसीटी। तो हमारे पास एचबी भी है और एचसीटी भी है, तो चलिए इसको भी हम पता कर लेते हैं एक बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मस्त फॉर्मूला इसका भी है। तो हमारे पास जो एचबी है वो है 12.1 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई एचसीटी है 36.3। तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू हमको मिल कर आएगा यहाँ पे भी वो हो जाएगा एमसीएचसी। और इस तरह से आप देखोगे आपको पूरी की पूरी सीबीसी का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि देखो हमने कैलकुलेट किया था, हमको मिल गया 33.3 एमसीएचसी, यानी कि एमसीएचसी हमको यहाँ पे मिल चुका है 33.3। तो आप सारा वैल्यू जो देखोगे, चलिए मैं आपको दिखाया था टोटल वैल्यू। तो हमको यहाँ पर मिल चुका है एचबी 12.1, आरबीसी 4.0, एचसीटी 36.3, एमसीबी 90.7, एमसीएचसी 30.2, एमसीएचसी 33.3। यानी कि सारा कैलकुलेशन सिर्फ एचबी के द्वारा हमारे पास सारा वैल्यू ये मिल चुका है। और उसके बाद से जो हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो काउंट करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो में मिल जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे काउंट करना है, तो उस वीडियो को जाकर आप डिस्क्रिप्शन में वहाँ से देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको सीखने के लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें।